तो हम बताएं पढ़ रहे थे वेव ऑप्टिक्स है ना, वहाँ पर हमको इंटरफेरेंस देखना था। तो हमने बताया था भाई इंटरफेयर करवाने के दो तरीके हैं, याद नहीं होगा तुमको। पहला डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट्स, यहाँ पे वेव फ्रंट्स को डिवाइड कर रहे थे ना, एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला तो हो गया डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट है ना, मतलब हमको क्या चाहिए था, क्योंकि हमको यहाँ पे पता है हम दो अलग अलग सोर्सेज यूज़ नहीं कर सकते लाइट के केस में, एक ही सोर्स से जो जो है उसको उससे ही हमें इंटरफेयर करवाना है। एक सोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करके किसी तरीके से इंटरफेरेंस करवाना था हमको, क्योंकि दो कभी भी लाइट के केस में दो डिफरेंट सोर्सेज आइडेंटिकल कोहेरेंट नहीं हो पाते हैं। ठीक, तो हमने फिर उसको डिवीज़न कराने के हमने देखे दो तरीके थे, एक तो था हमारा डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट जिसमें हमने YDAC पढ़ा, अब सेकेंड तरीका हमारा क्या है, डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। अब देखते हैं ना एक सोर्स से हम फिर से कैसे इंटरफेरेंस करा सकते हैं, मतलब हमको एक ही सोर्स की लाइट को दो पार्ट में डिवाइड करना है, डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो मेन पढ़ने वाले हैं और वही बाकी के टॉपिक्स इसके ही एक्सटेंशन है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। देखा ना कभी बरसात होती है वहाँ पे पेट्रोल या ऑयल वगैरह पड़ा होता है तो सतरंगी कलर दिखते हैं है ना, रेनबो वाले, और वैसे बहुत सारी तरह के एक पैटर्न कभी भी दिखने लगती है, हमको पता ही नहीं चलता क्यों दिख रही है नहीं दिख रही, तो बहुत सारी चीज़ें इससे समझ में आ जाएंगी है ना। इसको पढ़ने से पहले हल्का सा रिवीजन करते हैं कि जब वेव रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट होती है तो फेज डिफरेंस कैसे होता है। तो हमने इसको पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, हमने वेव ऑन स्ट्रिंग के केस में ना, रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, जब वेव रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट होती है तो क्या होता है। तो हमारे पास क्या क्या होता था, पतली रस्सी थी मोटी रस्सी थी, दो तरीके की रस्सियाँ थी हमारे पास। ठीक है, तो हम अगर पतली रस्सी में वेव को करते हैं ना, ये हमारी इंसिडेंट वेव है, पतली रस्सी में जाती है मान लो हमारी वेव, ये हमने इंसिडेंट कराई, तो फिर क्या होता है रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब एक ही पल्स भेजते हैं ताकि समझ में आ जाए हमको अच्छे से। तो जब रिफ्लेक्ट करती है, जब मीडियम चेंज होता है, हमेशा दो चीज़ें होती हैं, ट्रांसमिशन भी होता है रिफ्लेक्शन भी होता है ना, बहुत ही ज़्यादा मोटी बना दी रस्सी। ठीक है, तो एक वेव तो ट्रांसमिट हो रही होगी और एक वेव रिफ्लेक्ट हो रही होगी, तो इस डायग्राम से ही तुमको क्लियर हो रहा है, ये हमने पहले बनाया हुआ है। जब भी वेव रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया हमारा। दूसरा क्या हो सकता है, लिख देता हूँ मैं, ये पहले लिखा हुआ है हमने सब कुछ, फिर से लिखो तुम मुझे, क्योंकि रिवाइज तो तुमने करा नहीं है। रेयरर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। दूसरी क्या सिचुएशन हो सकती है कि वेव हमारी डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही हो, मतलब वेव ऑन स्ट्रिंग के केस में मोटी रस्सी से पतली रस्सी पे जाए अगर, तो भी दो सिनेरियोस पॉसिबल हैं। मान लो तुमने मोटी रस्सी पे एक वेव जनरेट करी, इंसिडेंट वेव ये जा रही है, अब जैसे ही वो दो मीडियम के बाउंड्री पे पहुंचेगी फिर से दो चीज़ें होंगी, कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर जाएगा कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा है ना। तो हमको पता है कि ट्रांसमिटेड वाला पार्ट, तो ट्रांसमिटेड वाले पार्ट में कभी भी कोई फेज डिफरेंस नहीं आता, कोई भी फेज का चेंज नहीं होता, जैसी वेव होती है बिल्कुल वैसी ही ट्रांसमिट कर जाती है, और इस केस में रिफ्लेक्टेड वाली वेव भी बिना किसी फेज डिफरेंस के वापस आ जाएगी। तो फिर से मैं बताता हूँ, ट्रांसमिटेड वेव में कभी भी कोई फेज का चेंज नहीं होता, पल्स जैसी है बिल्कुल वैसे ही ट्रांसमिट कर जाती है, किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम में जाते ही फर्क नहीं पड़ता। रेयरर से डेंसर में जा रही थी तब भी जीरो फेज चेंज के साथ ट्रांसमिट करी, जब डेंसर से रेयरर जा रही है तब भी जीरो फेज चेंज के साथ ट्रांसमिट करी। तो ट्रांसमिटेड वेव के लिए तो सिंपल सा फंडा है, कभी कोई फेज चेंज नहीं होगा, क्लियर है ये, ट्रांसमिटेड वेव में कभी कोई फेज का चेंज नहीं होगा। अब आई बात रिफ्लेक्टेड की, तो दो सिनेरियो है यहाँ पे, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का फेज चेंज आएगा, पर जब डेंसर से रेयरर में जा रही होगी उस समय रिफ्लेक्शन होगा, उस समय कोई फेज का चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे कोई फेज का चेंज नहीं है। मैं नोट फिर से नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि तुमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ट्रांसमिटेड वेव में कोई फेज चेंज नहीं होता, रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का फेज चेंज होता है, कब, जब रेयरर टू डेंसर रिफ्लेक्शन हो।
ठीक है। फिर सेम चीज हमने बताया साउंड के केस में देखी थी, वहाँ पर भी यही ट्रू था, है ना। अब हम लाइट के केस में देखते हैं ना, लाइट के केस में क्या होगा। तो लाइट के केस में मान लेते हैं डेंसर मीडियम, मतलब गिलास की स्लैब रख देते हैं, लो गिलास की स्लैब रख देते हैं हम यहाँ पे, एक गिलास स्लैब रख दी। तो गिलास स्लैब मतलब डेंसर मीडियम और एयर मतलब रेयर मीडियम। यहाँ पे तुम डेंसर और रेयर मतलब होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो डेंसर कहलाएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयरर कहलाएगा। ये क्लियर है क्या? ठीक है। तो इसमें भी दो केस पॉसिबल है लाइट के केस में। पहला क्या, रेयरर टू डेंसर जा रही हो अगर, और दूसरा केस क्या हो जाएगा, मान लो गिलास स्लैब से निकाल रहे हो तुम, है ना, गिलास डेंसर टू रेयर जा रही हो। तो दोनों ही केस में चलो तुमने इंसिडेंट करवाई वेव, यहाँ पर भी इंसिडेंट करवाई, यहाँ पर भी इंसिडेंट करवाई, देखते अब क्या होगा। तो जब रेयरर से डेंसर जा रही है, जो वेव ट्रांसमिट करेगी, मैं थोड़ा अलग बना दे रहा हूँ ना, ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ दिखाने के लिए, ये ट्रांसमिट हो गई। असलियत में ऐसी बिल्कुल सीधी ट्रांसमिट हो रही है, मैं बस तुम्हें ऊपर करके दिखा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो यहाँ पर ये ट्रांसमिट हो गई और यहाँ पर ये भी ट्रांसमिट हो जाएगी। हमने क्या पढ़ा, ट्रांसमिटेड वेव में कभी भी कोई फेज का चेंज नहीं आता, फेज डिफरेंस यहाँ पर भी जीरो रहेगा, फेज डिफरेंस यहाँ पर भी जीरो रहेगा। जो चीज़ यहाँ पर ट्रू है एग्जैक्टली वो चीज़ यहाँ पर भी ट्रू है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है वेव सीरीज में। अब क्योंकि हर एक बाउंड्री पे दोनों चीज़ होती है, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन, तो यहाँ से भी वेव रिफ्लेक्ट करी होगी, टकराएगी, फिर यहीं के यहीं वापस जा रही होगी। मैं उसको थोड़ा ऊपर बना के बता दे रहा हूँ, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रही है वेव। तो क्योंकि रेयरर से डेंसर रिफ्लेक्शन है, तो ये जो वेव रिफ्लेक्ट होगी इसमें पाई का फेस चेंज आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगा, ये कैसा रिफ्लेक्शन है, डेंसर टू रेयरर वाला, यहाँ पे कोई फेस चेंज होगा, देख लो सारी चीज़ें क्लियर। मतलब तुम्हें नया कुछ भी याद नहीं रखना है, जो तुमने स्ट्रिंग के केस में ध्यान याद रखा था वो सब कुछ यहाँ पे एप्लीकेबल है, वही साउंड वेव में एप्लीकेबल है और वो लाइट वेव में भी एप्लीकेबल है। जब भी रेयर से डेंसर में रिफ्लेक्शन होगा पाई का फेस चेंज आएगा और कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, लिख लो भाई, इसको ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है कभी। इतने सटली आता है ना ये वाला पॉइंट, तुम पाई का फेस चेंज लेना भूल जाओगे, पूरा क्वेश्चन आंसर गलत आ जाएगा पूरे क्वेश्चन का। जब भी रिफ्लेक्शन होगा इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ध्यान रखना है दिमाग में। देख लो भाई डेंसर मीडियम की एक बार डेफिनेशन लिख लो। मीडियम इन विच स्पीड ऑफ द वेव स्लोज डाउन इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। दिस इज ट्रू फॉर ऑल वेव्स, फॉर एग्जाम्पल वेव ऑन ए स्ट्रिंग, साउंड वेव, लाइट वेव, लाइट वेव्स, हर जगह ट्रू है ये वाली डेफिनेशन। तो अगर कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सा भाई रेयरर है कौन सा डेंसर है, तो याद रखना जिस मीडियम में साउंड की वेव की स्पीड कम हो जाए वो डेंसर है। यहाँ पे हमको पता है भाई वेव की स्पीड क्या होती थी किसी भी मीडियम में, v इज इक्वल टू c/μ। तो मतलब जितना ज़्यादा म्यू होगा स्पीड उतनी कम होगी, तो इसलिए जितना ज़्यादा म्यू होगा उतना ज़्यादा डेंसर होगा मीडियम। क्लियर है? स्पीड कम क्यों हो जाती है ये मैक्सवेल इक्वेशंस में बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। मतलब वहाँ पे कम क्यों हो जाती है ये तो तब भी नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा मैथमेटिकल डेरिवेशन कर दूंगा मैं क्यों हो जाती है। बाकी इसका रीज़न ये है कि जब बताए तो अंदर जाती है तो वहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं, तो जो तुम्हारे फोटोन्स होते हैं वो बार बार एब्जॉर्ब होते हैं और इमिट होते हैं, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रही है, तो उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इमिट कर दिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इमिट कर दिया जाता है, तो एब्जॉर्बेशन और इमिशन के कारण टाइम बढ़ जाता है। तो बिल्कुल जैसे वैक्यूम में तो कोई है ही नहीं रोकने वाला, तो फुल स्पीड से जाता है, यहाँ पे कोई चीज़ होती है जिसके कारण रुक जाता है, स्पीड कम हो जाती है। ये वन ऑफ द सेवरल थियरीज है, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना, ये वाला पॉइंट क्लियर है। ठीक है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस पढ़ते हैं ना। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखो एक हमने गिलास की स्लैब ले ली, ठीक है, गिलास स्लैब मान लेते हैं, इसकी विड्थ टी मान लेते हैं या फिर एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, और एक्स क्या है, वेरी स्मॉल। क्यों भाई वेरी स्मॉल, नाम में ही देखो थिन फिल्म इंटरफेरेंस, और ये थिक से होगा भी नहीं कभी, और मैं करके दिखा दूंगा तुम्हें, थिन फिल्म से है ना, ये क्लास में एक्सपेरिमेंट करके बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। चलो
तो अब अपन लाइट को इंसिडेंट कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये तुम्हारी मान लो इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे लाइट आई, अब मीडियम चेंज कराना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लो और एयर का कितना होता है 1, ठीक है। तो जैसे ही लाइट इस पर गिरी क्या होगा बताओ, दो चीज़ें होंगी, कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करके वापस चला जाएगा, समझ रहे हो। अब जो पार्ट रिफ्लेक्ट करके वो इंसिडेंट वेव के साथ क्या करेगा, इंटरफेरेंस। तो मैं दिखा रहा हूँ इंटरफेरेंस किस तरीके से होता है, एक सिंगल सोर्स से इंटरफेरेंस कर दिया ना बाई डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड क्यों बोल रहे हैं, तुमने पढ़ा था ना जब ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट कर जाता है तो ऐसा थोड़ी ना कि एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, एनर्जी तो कंजर्व है। तुमने 100 जूल फेंकी, मान लो 40 जूल ट्रांसमिट कर गई, 60 जूल रिफ्लेक्ट हो गई, और उसी के साथ एम्पलीट्यूड भी कम हो जाता है उनका, है ना। तो इसलिए हम इसको डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तुमने वेब को इंसिडेंट कराया, कुछ ट्रांसमिट करी, सुन लो भाई सुन लो, कुछ रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब जो रिफ्लेक्ट करी वो तो चली गई, अब जो ट्रांसमिट करी उसके साथ फिर दो चीज़ें होंगी, कुछ पार्ट फिर ट्रांसमिट करेगा, जो ट्रांसमिट कर गया वो तो चला गया वापस, जो रिफ्लेक्ट करा फिर यहाँ पे आएगा, फिर दो चीज़ें होंगी, कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और ऐसे इन्फाइनाइट रिफ्लेक्शंस होते रहेंगे, और हर बार पर एनर्जी कम होती जाएगी और लाइट वीक होती जाएगी, समझ में आया। अब सोचो इतने सारे रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में तो मैं एक ही लाइन में दिखा दूंगा ना, तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, तो मैं वो थोड़ा शिफ्ट कर करके तुम्हें दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, असलियत में सब कुछ एक ही लाइन पे हो रहा है, ठीक। चलो तो तुमने वेव को इंसिडेंट कराया, ये तुम्हारी इंसिडेंट लाइट है। अब क्या हुआ, यहाँ पे दो चीज़ें हुई, कुछ पार्ट क्या कर गया ट्रांसमिट, और कुछ पार्ट क्या कर गया रिफ्लेक्ट। नंबर भी डाल देता हूँ ताकि क्लियर लगे, नंबर 1 ट्रांसमिट करा, नंबर 2 रिफ्लेक्ट करा, ये इस मीडियम से हुआ है, याद रखना। फिर से क्लियर करूँ, लाइट इस मीडियम पे गिरी, मतलब इस बाउंड्री पे गिरी, इस बाउंड्री पे कुछ ट्रांसमिट करा और कुछ रिफ्लेक्ट करा, उसको बस साइड में बना के दिखा दिया मैंने, अभी पहले बाउंड्री से ही कराया मैंने, दूसरे बाउंड्री पे कुछ भी नहीं दिखाया, क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्ट हो गई वो तो चली गई ना, इसको तो ध्यान देना नहीं, अब इस पर ध्यान देना है जो ट्रांसमिट हुई है। अब ये इस बाउंड्री से पे ट्रांसमिट हुई थी, अब वो फिर एक और बाउंड्री मिल गई, बाउंड्री मतलब जहाँ पे मीडियम चेंज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बाउंड्री मिल गई, अब फिर से क्या होगी, दो चीज़ें होंगी, क्या क्या होगा बताओ इसके साथ, कुछ पार्ट तो इसका ट्रांसमिट कर जाएगा, दिखा दिया ये ट्रांसमिट कर गया, और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब ये जो ट्रांसमिट कर गई वो तो गई, अब जो रिफ्लेक्ट कर रही है इस बाउंड्री से, है ना, इस बाउंड्री से दिखाया है मैंने, अब इस बाउंड्री से जो रिफ्लेक्ट करी है उसके साथ फिर दो चीज़ें होंगी, है ना, कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब अगेन ये पांच और छः कौन सी बाउंड्री से हुए हैं, इस बाउंड्री से, पांच वाली तो चली गई, छः वाली फिर अब इस बाउंड्री से टकराएगी, फिर से दो चीज़ें होंगी, क्या क्या होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट, मुझे मतलब नहीं है इसके आगे, मुझे इतना ही बनाना था, क्यों, क्योंकि जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो मुझे 2 और 5 का इंटरफेरेंस दिखेगा, असलियत में ये सब एक ही लाइन पे हुआ है, ठीक है। तो जब रिफ्लेक्ट करेंगी तो 2 और 5 इंटरफियर करेंगी, और जहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है वहाँ पे 3 और 7 इंटरफियर कर रही है, ठीक है। और क्या होता है कि इतने सारे रिफ्लेक्शन के बाद वैसे भी लाइट वीक होती जाती है ना, तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी, हमारे लिए अभी इतना काफ़ी है इतना देखना, तो फिर इसको स्टडी करते हैं ना। तो रिफ्लेक्टेड में मैं किन दोनों का इंटरफेरेंस देखना चाह रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड वाले पार्ट में, रिफ्लेक्टेड की बात करें ना, तो इंटरफेयर कौन कौन सी कर रही हैं, इंटरफेरेंस ऑफ बताओ भाई 2 और 5। तो पहले चलो रिफ्लेक्टेड वाले को कर ले कंसीडर, या ट्रांसमिटेड वाले को, किसी को भी कर लो, तो रिफ्लेक्टेड वाले को करते हैं ना। तो अब इंटरफेरेंस देखने के लिए भाई क्या चाहिए होता है, उनके बीच में फेज डिफरेंस या फिर पाथ डिफरेंस। तो भाई सेकंड वाली तो यहाँ पे चली गई थी ना, ठीक है, ये सेकंड वाली किससे आई थी बता दो, फर्स्ट से आई थी,
तो ये यहाँ पे ये वाली लाइट गिरी, फर्स्ट ट्रांसमिट हुई, सेकंड रिफ्लेक्ट कर गई, तो ये लाइट यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल करी, फिर यहाँ पे वापस ट्रैवल करी, उसके बाद 5 कन्वर्ट हुआ, तो पाथ डिफरेंस कितना है 2 और 5 के बीच में बताओ, 2x, समझ रहे हो? क्योंकि 2 जो हुई थी उसके बाद 5 जाने में क्या मिला तुम्हें, एक बार यहां से यहां तक जाना पड़ा लाइट को, फिर वापस जाना पड़ा 4 के टर्म में, फिर जाके वो 5 बनी। तो देख रहे हैं पाथ डिफरेंस कितना है 2x, x यहां पे डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करा। मैं पूछ रहा हूं फिफ्थ वाली लाइट ने सेकंड वाली लाइट से कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करा, ये आई यहीं पे रिफ्लेक्ट हो गई, ये तुम्हारी 2 बन गई, फिर 5 बनने के लिए क्या हुआ, यहां से यहां गई, फिर वापस आई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, ये 5 बनाना, तो एक्स जाना और एक्स आना, तो कितना पाथ एक्स्ट्रा ट्रैवल करा फिफ्थ वाली ने सेकंड वाली से, मैं ये पूछना चाह रहा हूं x5 - x2 कितना है। अब ध्यान से देखो, पर ये 2x तो है, पर ये डिस्टेंस किस मीडियम के अंदर ट्रैवल करा है, ग्लास स्लैब, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, और हमको पता है ग्लास में टी ट्रैवल करना मतलब एयर में कितना ट्रैवल करना, म्यू टी, मैं तो सब कुछ एयर में कन्वर्ट कर देता हूं, तो इसके अंदर 2x मतलब एयर में कितना 2 μ x, ये समझ में आ रहा है तुमको, पता नहीं कितना समझ में आ रहा है तुम्हें, फिर से समझाऊं, आ गया सही है क्या ये वाली पक्का? और फिर अगर मान लो मुझे यहाँ पे ब्राइट देखना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है 2 और 5 का, तो किससे इक्वेट कर दें, n λ से कर दें इक्वेट, तो तुम कह रहे हो कि इसको मैं सीधा n λ से इक्वेट कर दूँ, सही है ये इक्वेशन, बताओ ये इक्वेशन सही है या फिर कुछ और भी ऐड करना है अभी पाथ डिफरेंस में, बताओ या फिर सही है ये फेस डिफरेंस किस चीज़ का, अच्छे से बोले यार, तो पूरा बोल दिया करो, या तो मत बोलो भाई, बोलो तो पूरा बोलो, अरे गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, पर क्या कहना चाह रहे हो, किस चीज़ का फेस डिफरेंस, फेस डिफरेंस तो पाथ के कारण आता है, तो वही तो लिखा है मैंने, तो रिफ्लेक्ट, अच्छा फिफ्थ वाली पहले ये बताओ रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड है, फिफ्थ वाली रिफ्लेक्टेड नहीं है, फिफ्थ वाली ट्रांसमिटेड है, 4 जब ऐसे गई तो ट्रांसमिट हुई है, और ट्रांसमिशन में कोई फेज चेंज होता है नहीं होता, सही जा रहे हो, पर और बताओ और सोचो थोड़ा, फर्स्ट वाली में, अच्छा फर्स्ट वाली रिफ्लेक्टेड है या ट्रांसमिटेड है, ट्रांसमिटेड, तो इसमें भी कोई फेज का चेंज नहीं है, देखो ट्रांसमिटेड वाली में तो कोई फेज का चेंज होने ही नहीं है, फिर बताओ और बताओ, सेकंड वाली, सेकंड वाली कौन सी है, ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड है सेकंड वाली तुम्हारी, ये है ये टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई, अब इतनी जल्दी नहीं, रिफ्लेक्टेड मतलब फेस चेंज जरूरी नहीं है, रेयरर टू डेंसर है क्या ये, हाँ एयर से आ रही थी और किससे टकराई है, ग्लास से, तो जब भी रेयरर टू डेंसर तुम्हारा, समझ में आ रहा है, जब भी तुम्हारा रेयर टू डेंसर रिफ्लेक्शन होगा तो पाई का फेस चेंज आएगा, और मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम्हारा फेज डिफरेंस पाई होता है, पाई फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग पाथ करेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस क्या होता है, 2π मतलब कितना होता है, अरे याद करवाया था ये तुमको, अगर फेज डिफरेंस 2π है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा, अगर फेज डिफरेंस पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2, निकाल भी सकते हैं यार, ये तुम पता नहीं यार याद नहीं करते हो ना चीजें, बड़ा इसको लिख दो 2π/λ के डेल एक्स इक्वल टू पाई, पाई से पाई कट गया, डेल एक्स कितना आया, मतलब या तो तुम ये बोलो कि पाई का फेज डिफरेंस हो गया, या फिर ये बोल दो कि भाई लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस आ गया, बात तो सेम है ना, पक्का समझ रहे हो, तो ठीक है हम पाथ डिफरेंस के टर्म में लिख देते हैं, प्लस लैम्डा बाई 2 लिखियो माइनस लैम्डा बाई 2, कोई फर्क नहीं पड़ता गधों, सेम बात है, प्लस माइनस सब सेम होता है, प्लस लैम्डा बाई 2 लिखो माइनस लैम्डा बाई 2 लिखो, अरे एन इंटीजर प्लस लिखने पे n इक्वल टू 0 के लिए जो वैल्यू आ रही होगी, माइनस लिखने पे वो वैल्यू n इक्वल टू 1 के लिए आने लगेगी, n तो वैसे भी सारे इंटीजर्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता यार इन चीज़ों से, साइन की वेव को पाई आगे बढ़ाओ या पाई पीछे करो सेम वेव मिलती है ना,
लैम्डा बाई टू मतलब पाई का फेज चेंज। साइन का कर्व दिमाग में है तुम्हारे, उसको या तो पाई आगे बढ़ाएं या फिर पाई पीछे करें, सेम वेव मिल जाती है ना। साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, सेम बात है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस जो मन करे वो लिख दिया करो, जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो लिखो। समझ में आया ये लैम्डा बाई टू क्यों ऐड करा है, लिखो ना यहां पे, भूल जाओगे बाद में। ड्यू टू रिफ्लेक्शन, किसका रिफ्लेक्शन, सेकंड वाले का, फिफ्थ वाले का नहीं, फिफ्थ वाली तो ट्रांसमिटेड है, सेकंड वाली रिफ्लेक्ट करी है, और कहां से कहां रिफ्लेक्ट करी है, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। ये चीज कंसीडर करना जरूरी होती, नहीं तो पूरा आंसर उल्टा आ जाता। अब देखो समझ में आया क्या, ये 2 म्यू एक्स प्लस लैम्डा बाई टू कहां से आया है। जिनको आता नहीं, जो मान लो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा होता, तो हम सीधा बोल देते 2x, x और x 2x हो गया, पर हमको पता था म्यू क्यों लगाया, क्योंकि भाई ग्लास स्लैब के अंदर हो रहा है, और लैम्डा बाई टू क्यों लगाया, क्योंकि रेयरर टू डेंसर रिफ्लेक्शन हुआ। क्लियर है ये, तो फिर आगे बढ़े। अब इसके आगे का तो तुम खुद ही कर लोगे, बता दो भाई x क्या होना चाहिए, तो 2 म्यू x क्या बन जाएगा। ये हमने कंडीशन किसके लिए लिखी है, अच्छा इसको पहले दो पार्ट में लिखो, पहले तो ये लिखो x5 माइनस x2 का पाथ डिफरेंस ये है, और अब मुझे क्या क्या चाहिए, हम दो चीज़ें मांग सकते हैं। मान लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है, ये तुम्हारा डेल x है ना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल x क्या होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है। ये तो पाथ डिफरेंस निकाल लिया तुमने, 2 म्यू एक्स प्लस लैम्डा बाई टू, ये तो पाथ डिफरेंस हो गया दोनों का। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो जाए, एन लैम्डा के बराबर। तो लिखो 2 म्यू एक्स प्लस लैम्डा बाई टू इक्वल टू एन लैम्डा, तो 2 म्यू एक्स इक्वल टू एन माइनस हाफ लैम्डा। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना यार, एन माइनस हाफ क्या बता रहा है यार, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू। अगर तुम यहाँ पे माइनस ले लेते तो एन प्लस हाफ बन जाता, वो भी वही बता रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, सब कुछ सही होता है। एक्स इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, लैम्डा वाई, लैम्डा वाई फोर म्यू इंटू टू एन माइनस वन। ये क्या बता रहा है यार, लैम्डा ऑड मल्टी, हाँ ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा वाई फोर म्यू, यही तो बोल रहा है ये। टू एन माइनस वन ले लूँ, टू एन प्लस वन ले लूँ, सब एक बात है। ये बोल रहा है कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय फोर म्यू एन। अब बताओ क्या क्या वैल्यू ले सकता है तुम्हारी, एन क्या क्या हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता क्योंकि एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता ना, एक्स बिट्ते। वन हो सकता है क्या, हाँ वन हो सकता है, टू भी हो सकता है, बाकी सब हो सकता है। इस समय तुम्हारा एन जीरो नहीं हो सकता, अगर मैं इसे टू एन प्लस वन रखता तो फिर एन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सब हो जाता। ये तो तुम्हें पता है ना, तुम लिख रहे हो, तो अगर किसी बुक में अदरवाइज दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे बताओ x की क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या क्या होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा डेल एक्स क्या हो जाना चाहिए, एन प्लस हाफ लैम्डा। ये क्या है तुम्हारा, टू म्यू एक्स प्लस लैम्डा बाई टू इक्वल क्या आ गया, एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई टू, ये तो आ गया। तुम्हारा एक्स कितना है बताओ, एन लैम्डा बाय, ये बोल रहे हैं इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन लैम्डा बाई टू। यहाँ पे एन क्या क्या हो सकता है तुम्हारा, जीरो ले सकते हो, पर जीरो का मतलब नहीं है, जीरो मतलब तो तुमने स्लैब ही खत्म कर दी, कोई स्लैब ही नहीं है। तो एक्स क्या क्या हो सकता है तुम्हारा, लैम्डा बाई टू म्यू, टू लैम्डा बाई टू म्यू, थ्री लैम्डा बाई टू म्यू, फोर लैम्डा बाई टू म्यू एसेट्रा, ये सारी वैल्यूज ले सकता है तुम्हारा। सॉरी इस ऑर्डर में चला है, लैम्डा बाय 2 म्यू, फिर मतलब लैम्डा बाय 4 म्यू, 2 लैम्डा बाय 4 म्यू, 3 लैम्डा बाय 4 म्यू, 4 लैम्डा बाय 4 म्यू, 5 लैम्डा बाय 4 म्यू, 6 लैम्डा बाय 4 म्यू,
बिट को धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे लैम्डा बाई फोर भी तुम्हें कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर थोड़ी और बिट बढ़ाओगे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। देखो कोई दिक्कत है क्या? ये एक्सी पोजीशन बता रहा है मैक्सिमम की नहीं है मिनिमम की। क्या हुआ? और तू खुद से नहीं लिख सकते क्या? अरे भरोसा सही था मेरे। ठीक है पूरा पूरा एनालिसिस करो, ये सामने रिफ्लेक्टेड किए करा एनालिसिस, अब यही पूरा पूरा एनालिसिस करो यहाँ पे ट्रांसमिटेड की, ये तुम खुद से करोगे। फोर ट्रांसमिटेड डेल एक्स क्या होगा तुम्हारा? एक्स सेवन माइनस एक्स थ्री, बताओ क्या आएगा एक्स सेवन माइनस एक्स थ्री? यहाँ पे यही कर रहे हैं ना, थर्ड और सेवन इंटरफेयर कर रहे हैं ट्रांसमिटेड में। देखो भाई थ्री किसने बनाई है? वन ने, तो वन ने थ्री को बनाया, फिर फोर, फिर सिक्स, फिर सेवन, तो थ्री और सेवन, सेवन ने कितना एक्स्ट्रा चला है? फोर के ऊपर गई फिर नीचे आई, तो एक्स ऊपर गई एक्स नीचे आई, टू एक्स, और उसके अंदर है गिलास के अंदर, तो क्या लिखेंगे? और बताओ लैम्डा बाई टू वगैरह ऐड करेंगे? नहीं, यहाँ पे तो सोचना ही नहीं है क्योंकि थ्री और सेवन दोनों ही ट्रांसमिटेड हैं, रिफ्लेक्ट तो ये कहीं से नहीं हो रही है, और ट्रांसमिटेड में तो कभी भी कोई फेस चेंज नहीं होता है। पर ऐसा नहीं है आसान, बीच की प्रोसेस भी देखनी पड़ेगी। देखो वन से जब थ्री आई तो ट्रांसमिशन है, कोई फेस चेंज आया क्या? ठीक है, अब जब वन से फोर बनी, क्योंकि थ्री और सेवन के बीच का रास्ता फोर और सिक्स से जाता है ना, तो उनको भी चेक करना पड़ेगा। जब वन से फोर बनी तो रिफ्लेक्शन हुआ है, कोई फेस चेंज होएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये डेंसर से रेयरर वाला रिफ्लेक्शन है, तो जब वन रिफ्लेक्ट होके फोर बनी कोई फेस चेंज नहीं हुआ। फिर सिक्स कैसे आई है? फोर रिफ्लेक्ट होके सिक्स बनी, यहाँ पे कोई फेस चेंज होगा क्या? ये भी डेंसर से रेयरर वाला रिफ्लेक्शन है, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे दो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं पर फेस चेंज नहीं हो रहा है, फिर सिक्स के बाद सीधा सेवन बना वो ट्रांसमिशन है, तो समझ में आ रहा है क्या? रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ पे कोई फेस चेंज नहीं आएगा, और क्यों नहीं आया वो रीजन समझ में आया? क्योंकि डेंसर टू रेयरर वाले रिफ्लेक्शन हो रहे थे, तो यहाँ पे कुछ लैम्डा बाई टू वगैरह ऐड करने की जरूरत है? नहीं। चलो बता दो जल्दी से, एक्स की वैल्यू बताओ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और फॉर डिस्ट्रक्टिव, दोनों में आंसर दो। अब आगे बैठना नहीं, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व क्या कर सकते हो इसमें, तुम कितनी ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो ये तुम्हारे ऊपर है। लिखे कंस्ट्रक्टिव के लिए डेल एक्स क्या होना चाहिए? एन लैम्डा, तो भाई कितना हो गया? टू म्यू एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, एक्स कितना आया तुम्हारा? एन लैम्डा बाय टू म्यू, मतलब एक्स इक्वल टू क्या क्या आ रहा है कंस्ट्रक्टिव के लिए? लैम्डा बाय टू म्यू, टू लैम्डा बाय टू म्यू, थ्री लैम्डा बाय टू म्यू, और एसेट्रा। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव के लिए डेल एक्स क्या होगा? एन प्लस हाफ लैम्डा, तो टू म्यू एक्स इक्वल टू एन प्लस या फिर टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू म्यू, तो एक्स कितना आ गया तुम्हारा? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय फोर म्यू, तो मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू आएंगी यहाँ पे? लैम्डा बाय फोर म्यू, थ्री लैम्डा बाय फोर म्यू, फाइव लैम्डा बाय फोर म्यू, ऐसे। ऑब्जर्वेशन मतलब तुम बताओ ऑब्जर्वेशन क्या है? ठीक है, ठीक है, पहली बात तो ये अच्छी बात है तुमने ऑब्जर्व करा, अब इसका रीज़न तुम बताओ, बैठो, है ना? तो ये सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, है ना? ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है, ये रिफ्लेक्टेड वाले के लिए लिखा है मैंने ना, जब रिफ्लेक्टिव, जहाँ रिफ्लेक्टिव का डिस्ट्रक्टिव हो रहा है वहाँ ट्रांसमिटेड का कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। ध्यान से देखो, एक्स की जिन वैल्यूज़ के लिए
रिफ्लेक्टेड में तुम्हें डिस्ट्रक्टिव मिल रहा था, एक्स की उन वैल्यूज के लिए ट्रांसमिटेड में तुम्हें क्या मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव। और एक्स की जिन वैल्यूज के लिए ट्रांसमिटेड में, रिफ्लेक्टेड में, एक्स की जिन वैल्यूज के लिए रिफ्लेक्टेड में तुम्हें कंस्ट्रक्टिव मिल रहा था, उन वैल्यूज के लिए ट्रांसमिटेड में तुम्हें क्या मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव। देखो कंपेयर कर लो, ये रिफ्लेक्टेड के लिए लिखी गई थी, ये अभी ऊपर वाला रेड कलर में जो लिखा है वो ट्रांसमिटेड के लिए लिखा है, और ब्लू में जो लिखा है वो रिफ्लेक्टेड के लिए लिखा है, सेम आ रही है वैल्यूज, है ना। तो इससे तुम क्या बोल सकते हो, बैठो, इससे क्या बोल सकते हो, बोलो बोलो, अरे गलत बोल दो कोई बात नहीं। तो कह क्या रहा है भाई ये, भाई ये कहना चाह रहा है कि अगर x की वैल्यू मान लो मैं लैम्डा बाय फोर म्यू ले लूं, x की वैल्यू अगर मैं लैम्डा बाय फोर म्यू ले लूं, तो रिफ्लेक्टेड में क्या हो रहा है तुम्हारा, कंस्ट्रक्टिव, मतलब यहां पर तुमको क्या मिलेगा, ब्राइट देखने को मिलेगा, और यहां पर तुमको क्या दिखेगा, डार्क। देख लो भाई, लैम्डा बाय फोर म्यू के लिए ट्रांसमिटेड में क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव, और रिफ्लेक्टेड में क्या हुआ था, कंस्ट्रक्टिव। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम इसकी विड्थ लैम्डा बाय फोर म्यू लेते हो, है ना, तो यहां पर तुम्हें ब्राइट दिख रहा होगा, यहां पर तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, मतलब है तो ये ट्रांसमिटेड, है तो ये ट्रांसपेरेंट तुम्हारी स्लैब, तुम सामने से लाइट डाल रहे हो पर तुम इधर खड़े होगे तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वहां से कोई लाइट भी आ रही है, और इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट ट्रांसमिट नहीं हो रही, लाइट ट्रांसमिट भी हो रही है पर वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर कर रही है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, तो तुम्हें कोई लाइट नहीं दिखेगी। आई बात समझ में, और यहां पे तुम्हें बिल्कुल ब्राइट दिख रहा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता हुआ, और इसी की जगह पे अगर मैं स्लैब की विड्थ ले लूं लैम्डा बाय टू म्यू ले लूं, तो देखो लैम्डा बाय टू म्यू पे रिफ्लेक्टेड में क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव, मतलब यहां पर तुम्हें क्या दिखेगा, डार्क। तुम लाइट यहां से डाल रहे हो पर तुम्हें कुछ भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा, समझ रहे हो, तुमने लाइट डाली पर तुम्हें रिफ्लेक्ट होता हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा है कि रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं रहा है, और यहां पर तुम्हें क्या दिखेगा, ब्राइट। तो बहुत सारी तरीके की चीजें डिजाइन करने में हम इसको यूज करते हैं, कई बार हमें ऐसा चाहिए होता है कि लाइट एक ही तरफ जाए दूसरी तरफ ना जाए, समझ में आएगा ये पहले तो इसका मतलब, अगर रिफ्लेक्टेड में मैक्सिमा है तो ट्रांसमिटेड में मिनिमा होगा, और ट्रांसमिटेड में मैक्सिमा है तो रिफ्लेक्टेड में, अरे ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बता रहा है फिर से कि एनर्जी तुम्हारी कंजर्वड है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों तरफ कंस्ट्रक्टिव हो जाए, वहां पे एनर्जी का वायलेशन आ जाता, अगर दोनों तरफ एक साथ डार्क आ गया तो एनर्जी गई कहां फिर, समझ रहे हो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो ये तुम्हें अगेन प्रूव कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिखो, सिंस द एनर्जी इज कंजर्वड when there is constructive interference for reflected light, there is destructive interference for transmitted light, and vice versa. अच्छा देखो, अब इसमें थिन फिल्म होना जरूरी क्यों है, ऐसा क्यों नहीं कि मैं इसको बताए 1000 लैम्डा बाय फोर म्यू ले लूं, या फिर इतना बड़ा क्यों नहीं ले सकता मैं इसको, तो इसका रीजन ये है, देखो ये तो बोल रहा है कि एन कुछ भी हो सकता है, कितना भी लार्ज ले लो उस हिसाब से, तो एन को तुम बहुत ज़्यादा लार्ज ले लोगे तो थिक भी हो जाएगी स्लैब, 1 मिलियन ले लो हो जाएगी थिक, समझ रहे हो, तो पहले तो ये बता रहे कि विजिबल लाइट में अगर तुम्हें देखना है तो लैम्डा के टर्म्स में आ रहा है तुम्हारा आंसर, है ना, मतलब तुम्हारी विड्थ कितनी होनी चाहिए, नैनोमीटर में, जब इतनी कम होगी तब तुम्हें दिखेगी, ठीक है, मतलब 10^-7 मीटर्स में होनी चाहिए विड्थ अगर तुम्हें विजिबल लाइट में ये वाली चीज़ देखनी है, मतलब बहुत ही पतली, हमारी हेयर से भी 1/10 पतली, इतना पतला होगा तब तुम ये वाली चीज़ देख पाओगे। अब मैं ये बता रहा हूँ कि थिक, अभी जो मैथमेटिकल डिस्कशन करा उसके अकॉर्डिंग तो थिक भी हो सकता है, एन को ले लो 1 मिलियन, एन को ले लो 10^7, थिक हो जाएगी तुम्हारी स्लैब, तो क्यों नहीं कर सकते हम ऐसा, तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देखो हमारा पूरा फंडे ये है कि हमें पता है क्या चाहिए थे, इंटरफेरेंस कराने के लिए दो लाइट चाहिए और दोनों वो लाइट कोहेरेंट होनी चाहिए, और लाइट में कभी दो सोर्सेज कोहेरेंट नहीं होते, तो हम क्या करते थे, सिंगल सोर्स से लाइट को या तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट करवा रहे थे या डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड अभी करवाया। अब होता क्या है कि अगर तुम इसको थिक स्लैब ले लोगे
अब होता क्या है कि भाई लाइट के साथ एक सिंगल सोर्स भी, अब लाइट आती कहाँ से, रैंडम फोटोन्स जनरेट कर रहा होता है ना वो, जब डीएक्साइड होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स डीएक्साइड होते हैं तो लाइट निकलती है। तो एक सिंगल सोर्स भी अलग अलग टाइम पे, मतलब एक सिंगल सोर्स की लाइट तुम अभी इस मोमेंट और थोड़े से कुछ सर्टेन अमाउंट होता है उसके बाद कंसिडर करोगे तो वो भी आपस में कोहेरेंट नहीं होती। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस यहाँ तक पहुँची, उतनी देर में अगली जो लाइट आ रही होगी, समझ रहे हो ना, इसमें कोई टाइम का भी गैप है। अगर तुम स्लैब को थिक ले लोगे तो वो दोनों लाइटें जो सोर्स से निकली होंगी वो कोहेरेंट नहीं होंगे, वो सिंगल सोर्स भी अलग अलग टाइम पे कोहेरेंट नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो अगेन तुम्हें कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिलेगी, और इसलिए हमें थिक ग्लासेस में कभी भी कोई इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलती, वरना यहाँ पर भी दिखना चाहिए था, नहीं दिखता ना कभी। अब इसको उससे रिलेट मत करना कि कुछ ग्लासेस होते हैं उनमें बाहर का नहीं दिखता और अंदर का दिखता है, या फिर वाइस वर्सा, वो तो सिर्फ लाइट का फंडा होता है, जिस जगह से ज़्यादा लाइट आ रही होती है, समझ रहे हो ना। जैसे अभी मुझे इस ग्लास से बाहर का दिख रहा है क्योंकि बाहर की लाइट ज़्यादा है, अभी अंधेरा हो जाएगा ना और यहाँ पे हम लाइट में रूम में लाइट चला देंगे बहुत सारी, तो बाहर से अंदर का दिखने लगेगा, ये तो सिर्फ वो फंडा है। थिक ग्लास, थिक चीज़ों में तो हमें ये इंटरफेरेंस कभी देखने को मिलेगा ही नहीं।